जानवी शलभ सिन्हा ने बच्चों से संबंधित एक कविता संग्रह लिखा है, जिसका की विमोचन मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ दिनों पूर्व किया गया। शुक्रवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जानवी शलभ सिन्हा ने अपने लेखिका होने का अनुभव पत्रकारों के साथ साझा किया एवं बच्चों के लिए लिखी गई अपने इस कविता संग्रह के बारे में मीडिया को जानकारी कुछ इस तरह से दी। मंत्री जी के हाथों में आई गिफ्ट यू अ रेनबो, उसके बारे में हम बात करने के लिए एकत्रित हुए थे। इस किताब में 62 कविताओं का संग्रह आपको मिलेगा और इनका शीर्षक जो है, इसमें जो रेनबो शब्द आता है उसका मतलब ये है कि इसमें हम हर रंग की, हर ह्यू की, हर कलर के इमोशंस को दर्शाने की चेष्टा कर रहे हैं अंग्रेज़ी के इस कविता के संग्रह में, जिसका नाम है आई गिफ्ट यू अ रेनबो। ये दिल्ली के पब्लिशर बीआर पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश की है, क्योंकि मेरा दिल्ली से पुराना नाता है, मेरा कॉलेज एंड स्कूल मिरांडा हाउस सब दिल्ली का था, तो मैं चाहती थी कि हमारे पब्लिशर दिल्ली के ही हों, तो उन्होंने पब्लिश किया है। और ईश्वर की कृपा से जिस गांव से ये इस किताब का जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे ननिहाल का मर्रा। इसको मैंने हमारी बिटिया के पैदा होने के पहले 7 महीनों में लिखा और 62 कविताओं का संग्रह है जो सामाजिक संदेश देती हैं लैंगिक समानता का और पेट्रियार्की को स्मैश करने की बातें करती हैं, स्टीरियोटाइप्स का खंडन करती हैं। ये अमेज़ॉन पे मिल जाएगी आपको, 12 तारीख के बाद आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगी। इसमें महिलाओं के लिए स्वाभिमान और उनको सशक्त करने वाली बातें मिलेंगी जो हर हाल में उनको किसी भी स्थिति से जूझने का एक साहस प्रदान करेंगी। हम में से हर किसी के लिए हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि ये केवल किताब महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए लिखी गई है। सुखी जीवन के लिए, जीवंतता के लिए, खुशनुमा ज़िंदगी के लिए केवल और केवल एक संदेश है मेरा। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे घर का, हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे देश का हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करे, और वो रियलाइज़ केवल और केवल बुद्धि के दम पे किया जा सकता है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं जातिगत बातें सुनती हूँ या जब मैं मिसोजिनिस्टिक बातों को सुनती हूँ। मिसोजिनिस्टिक बातें माने नारी हेटिंग बातें, ऐसी बातें जो नारियों को तुच्छ दिखाने या उन पे SMS जोक्स और उनकी चीज़ों को वायरल आप करेंगे हंसने के लिए। अब यहाँ ऐसे कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने पृष्ठभूमि को दर्शाता है। जो मैं कह रही हूँ, जो आप कह रहे हैं, अगर हम जेल कर रहे हैं, अगर हम किसी बात की समीक्षा करना चाह रहे हैं, तो आप कितने ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हम और आप ही समझ जाते हैं। तो इस किताब के थ्रू मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बेटा बेटी में जो व्यक्ति फ़र्क नहीं करेगा वो अपनी औलाद को परवान चढ़ते देखेगा शिक्षा के बल पर, और शिक्षा से बड़ा कोई रिडीमर नहीं होता, जो मैं मन से मानती हूँ।